नमस्कार, सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोदी, ममता और महाभारत। जी हां, जो कुछ भी हो रहा है सच में देश की सेहत के लिए सही नहीं है। जिद जिसकी भी हो, राजनीति जो भी कर रहे हो, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है। जरा इस खबर को देखिए, इस सियासत को लेकर क्या सोचते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का कहने का मतलब क्या है, जरा इस खबर को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तरह तरह की चीज होती रही, तो एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, जिस तरह से कटुता और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है। ममता और मोदी सरकार में ठनी हुई है और नीतीश कुमार संभलते हुए बयान दे रहे हैं। वो ना तो दीदी के साथ हैं और ना ही मोदी के। जब से जेडीयू और एनडीए का दोबारा गठबंधन हुआ है, तब से नीतीश कुमार हर मुद्दे पर मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने खुलकर साथ ना देने में ही शायद भलाई समझी। पड़ोसी राज्य बंगाल में देश के सबसे बड़े सियासी उठापटक पर नीतीश कुमार का ये बयान कई मायनों में अहम है। आने वाले एक महीने के दौरान होने वाली उथल पुथल का जिक्र भी बहुत संजीदा बयान है। नीतीश का इशारा ही काफी है। उन्होंने खुलकर हमला और बचाव करने की रणनीति से किनारा करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर भी सधा हुआ जवाब दिया। तो जो कुछ भी करते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। हमारी आदत नहीं है कमेंट करने की। सब लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, हम लोग अपने ढंग से काम करते हैं, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, और जो अच्छी परंपरा वाली व्यवस्था हो उसको अपना कर हम लोग चलते हैं, लेकिन कौन क्या करता है उस पर हम कमेंट नहीं देते। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं, और केंद्र और राज्यों के संबंध में अगर केंद्र हावी होने लगे तो संघीय व्यवस्था पर खतरा मंडराने लगता है। राष्ट्रपति शासन लगाने वाले सवाल पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 356 के बेजा इस्तेमाल की राजनीति के खतरों पर भी आगाह कर दिया। परंपरा वाली व्यवस्था हो उसको अपना कर हम लोग चलते हैं, लेकिन कौन क्या करता है उस पर हम कमेंट नहीं देते, इसलिए कि सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है। वही एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेगी CBI, एक्सप्लेन करेगी वहां की गवर्नमेंट। इसमें हम लोगों को बीच में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। कौन क्या करते हैं उस पर हम कोई रिएक्शन नहीं देते, और आपको हम बता रहे हैं, उस पर लगता है कि ठीक से ध्यान दीजिए। अभी एक महीना तक इस देश में कुछ भी हो सकता है। दीदी और मोदी के इस झगड़े से नीतीश कुमार का किनारा करना और देश की चिंता करने वाली बात कर आने वाले दिनों में सीएम ने अपनी राजनीति की दिशा तय कर दी है। वो विवादित मुद्दों पर बीजेपी के साथ नहीं है, ये तो तय है ही, साथ ही संघीय व्यवस्था पर चोट करने वाले मुद्दों पर भी उनका अपना स्टैंड साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार इस विषय को लेकर सहज नहीं थे। लगातार सवाल किया जा रहा था, लेकिन वो जवाब देने से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि अगर इस लाइन में अगर सीधे इस तरफ या उस तरफ गए तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि फेडरल स्टेट के नीतीश भी जबरदस्त हिमायती रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, CBI और ED का दुरुपयोग करती है। ऐसे में अगर सीधे तौर पे ममता के साथ खड़े हो जाते तो फिर भ्रष्टाचार को लेकर जो इनका जीरो टॉलरेंस है उस पर सवाल खड़े होने लगता, और अगर सीधे मोदी के साथ खड़े हो जाते इनके पूरी राजनीतिक कैरियर में ही, कैरियर पे ही सवाल खड़े हो जाते।